नमस्कार, स्वास्थ्य सारथी में आपका स्वागत है। जैसे ही भोर होती है, सूरज की रोशनी की पहली किरणें धरती को चूमती हैं, जिससे पानी के किनारे ब्राह्मी की शक्तिशाली पत्तियां जागृत हो जाती हैं। आज हम प्राचीन जड़ी बूटी ब्राह्मी को फिर से खोजने के लिए समय के माध्यम से यात्रा करते हैं, जो मन को फिर से जीवंत करने और शरीर को ठीक करने का वादा करती है। ब्राह्मी सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में निहित विरासत है। अपने मेध्या गुणों के लिए प्रशंसित, ये सदियों से संज्ञानात्मक वृद्धि और तंत्रिका संबंधी पोषण के लिए हर्बल उपचार की आधारशिला रही है। ब्राह्मी के पत्तों पर सुबह की ओस की प्रत्येक बूंद ज्ञान की एक बूंद का प्रतीक है। सैपोनिन और बेकोसाइड से भरपूर ब्राह्मी के रासायनिक घटक मस्तिष्क समारोह पर उनके सकारात्मक प्रभाव के लिए पूजनीय है। ये जादू नहीं है, ये प्रकृति का अपना मस्तिष्क टॉनिक है। दैनिक जीवन में ब्राह्मी का एकीकरण इसकी पत्तियों को चाय में शामिल करने जितना सरल हो सकता है या पानी के किनारे योग अभ्यास करने जितना जटिल हो सकता है, जहां ब्राह्मी पनपती है। पानी से यह संबंध प्रतीकात्मक है, जिस तरह पानी जीवन के लिए आवश्यक है, ब्राह्मी मस्तिष्क के लिए महत्वपूर्ण है। ब्राह्मी का असली सार तब सामने आता है जब इसकी पत्तियों को कुचला जाता है, जिससे एक शक्तिशाली अर्क निकलता है। जब इसका सेवन किया जाता है तो यह अर्क स्मृति गठन और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को बढ़ाने में आशाजनक साबित होता है, जिससे यह न्यूरोवैज्ञानिकों और हर्बलिस्टों के लिए समान रूप से रुचि का विषय बन जाता है। ब्राह्मी के न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव आपके न्यूरॉन्स के लिए संरक्षक की तरह है। ये संज्ञानात्मक मार्गों को उत्तेजित करता है, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जहां स्मृति और सीखना विकसित हो सके। ये रोजमर्रा के मानसिक तनाव से होने वाली टूट फूट के खिलाफ एक ढाल है। आधुनिक शोध इस पूजनीय जड़ी बूटी के दायरे में गहराई से उतरता है। प्रत्येक अध्ययन ऐतिहासिक ज्ञान की समृद्ध टेपेस्ट्री पर आधारित है, जो ध्यान बढ़ाने, चिंता से निपटने और यहाँ तक कि अल्जाइमर रोग से बचाने में ब्राह्मी की क्षमता को प्रकाश में लाता है। तनाव हमारे जीवन में एक अवांछित मेहमान है। ब्राह्मी एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, जो शरीर की तनाव प्रतिक्रियाओं को कम करती है। ये शरीर की अनुकूली लचीलापन को बढ़ाता है, जिससे हम संतुलन की एक नई भावना के साथ तनाव का सामना कर सकते हैं। युवावस्था की हलचल भरी ऊर्जा से लेकर उम्र के ज्ञान तक ब्राह्मी हर पीढ़ी की सेवा करती है। ये युवा मस्तिष्क को ध्यान और सीखने में सहायता करता है, जबकि बुजुर्गों के लिए ये स्मृति की मंद होती रोशनी के खिलाफ आशा की किरण है। ब्राह्मी की खेती टिकाऊ अभ्यास का एक प्रमाण है। श्रद्धा से काटी गई, देखभाल से सुखा गई और सम्मान के साथ पैक की गई ब्राह्मी जो आप तक पहुंचती है, वो सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं है, ये कल्याण का एक समूह है, जिसका पोषण उन हाथों से होता है जो इसकी देखभाल करते हैं। भारत के हलचल भरे बाजारों में ब्राह्मी का महत्व वाणिज्य से कहीं अधिक है, यह एक समुदाय का गौरव है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित, यह एक ऐसी कड़ी है जो परंपरा को वर्तमान से जोड़ती है, एक विरासत जो प्रत्येक बिक्री और खरीद के साथ आगे बढ़ती है। ब्राह्मी की बहुमुखी प्रतिभा चाय और पूरक आहार से परे है। जब इसे दैनिक व्यंजनों में शामिल किया जाता है तो ये पारिवारिक परंपरा का हिस्सा बन जाता है। प्रत्येक भोजन मन को पोषण देने और शरीर को मजबूत बनाने का एक साधन बन जाता है। ब्राह्मी अकेली नहीं है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की सिम्फनी में यह अश्वगंधा और गुडुची जैसी अन्य जड़ी बूटियों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, एक तालमेल बनाता है जो इसके लाभों को बढ़ाता है, आयुर्वेदिक उपचार के समग्र दृष्टिकोण का एक प्रमाण है। ब्राह्मी द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को अपनाएं। चाहे आप फोकस चाहने वाले छात्र हों, मानसिक स्पष्टता के लिए प्रयास करने वाले पेशेवर हों या दीर्घायु के साधक हों, ब्राह्मी को मानसिक कल्याण के लिए अपना मार्ग रोशन करने दें। जैसे ही शाम ढलती है, ब्राह्मी की हमारी खोज समाप्त हो जाती है, फिर भी खोज की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। आपको अधिक तेज, शांत और अधिक केंद्रित बनाने के लिए इस मस्तिष्क के साथी को अपनाएं। हमें आशा है कि आज की हमारी यात्रा से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। यहाँ स्वास्थ्य सारथी में हम आपको अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, प्रेरित रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।